Hey guys, welcome back to my channel Curiosity Explorer. So आज एक मैं नया प्रोडक्ट लेकर आई हूँ सेंट ड्यूवेंस का ओशन ड्रॉप बॉडी वॉश का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ. सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी रिव्यूज मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे वो जेन्युइन होंगे, सच होंगे. मैं ना तो एग्जैजरेट करके बताती हूँ ना ही कोई चीज छुपाती हूँ. सो अगर आपको जेन्युइन फीडबैक चाहिए किसी प्रोडक्ट का बिना किसी पॉलिशिंग के, मक्खनबाजी के और एकदम सटीक आपको रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं. एंड यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको वीडियोस बहुत पसंद आती हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले. एंड यस, गिव अवे ओपन है. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे कि सेंट ड्यूवेंस के जो बॉडी वॉश है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो पहली बात, ये क्लेम क्या क्या करता है. ये क्लेम करता है पैराबेन फ्री है, पैथलेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है. एंड मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट शेयर कर दूंगी. एंड ये काफ़ी सारी चीज हार्मफुल केमिकल से फ्री है. ओके. और ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन को वाइब्रेंट करता है, ग्लो देता है, नरिश करता है. इसमें एलोवेरा की खूबियां भी है. सो अगर आपको एलोवेरा बहुत पसंद है तो आप इस बॉडी लोशन को ऑप्ट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं. सो हम बॉडी वॉश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यूज करने के बाद काफ़ी अगर खुशबूदार बॉडी वॉश हो, उसकी स्किन ड्राई ना हो, फ्लेकी ना हो, मतलब स्क्रैच करने पे ऐसा ये ना लगे कि डेड स्किन निकल रही है और काफ़ी देर तक उसकी खुशबू बरकरार रहे और नहाने के बाद आपको लगे कि एक्चुअली हैड समथिंग रियली गुड शावर जेल. सो ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, कुछ लोगों को मेरी तरह खुशबू वाले बॉडी लोशन, बॉडी शावर जेल और हैंडमेड सोप्स की बहुत ख्वाहिश रहती है. सो इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह की चीज़ें देना पसंद करती हूँ. सो जो भी ये क्लेम करता है कि ये स्किन को वाइब्रेंट करता है, ग्लो करता है, हाँ ये ग्लो देता है, स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है. एंड खुशबू इसकी काफ़ी देर बरकरार रहती है, एक ड्रॉप से ही काफ़ी हद तक झाग आता है. सो उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग चाहते हैं कि बॉडी शावर जेल ज़्यादा दिन तक चले उनका बॉडी वॉश, तो कोशिश करें कि एक अच्छी क्वालिटी के लूफा में उसे वेट करके उस पर वन ड्रॉप लीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लादर कर सके. ओके. सो ये वन ड्रॉप में काफ़ी हद तक झाग देता है और अच्छे से फोम करता है. एंड येस, इसे यूज़ करने के बाद स्किन ज़रा भी ड्राई नहीं होती है. रही बात प्राइस की, इसका प्राइस है 110 और ये क्वांटिटी 60 ml की है. मुझे ऑनलाइन किसी चीज़ के साथ फ्री मिला था एज अ गिफ्ट, सो मुझे खरीदना नहीं पड़ा. बट मैंने सोचा कि मैं इसके प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ जो लोग चाहते हैं इसे खरीदना, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ज़्यादातर एक्सपेंसिव होते हैं. सो खरीदने के पहले मैंने सोचा कि आप लोग इसे एक इसका रिव्यू जरूर चेक कर लीजिएगा. एंड येस, गिव अवे ओपन है. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. एक और चीज़, शावर जेल से लोग ये भी एक्सपेक्ट करते कि उसकी खुशबू ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, अरोमेटिक हो, फूलों जैसी हो, हल्की फुल्की हो. लेकिन मैं बता दूं, अगर कुछ लोगों ने या जिन लोगों ने भी रेक्सोना का ब्लू वाला डिओड्रेंट यूज़ किया है या डिओस्टिक यूज़ किया है तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐसी है. सेंसिटिव नोज वालों को इसकी बदबू या खुशबू कह लीजिए ज़रा भी अफेक्ट नहीं करेगी. बहुत अच्छी लाइट वेट भी है और खुशबू है इसकी, मतलब लाइट खुशबू है इसकी. एंड काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैं अपने नेफ्यू को भी ये यूज़ करने को मैंने दिया था तो ही वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग. छोटा सा तो है वो 8-9 ईयर्स का. सो उसे शावर जेल बहुत पसंद है, बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. एंड नाउ डेज तो अभी सब एंटीसेप्टिक सोप वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, बट ये सारी चीज़ें निपटने के बाद अगर आप गर्मियों के लिए, यूजली लोग चाहते हैं कि खुशबूदार और रिफ्रेशिंग फीलिंग वाला शावर जेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं. जो भी ये क्लेम करता है उनमें से, हाँ, स्किन को ड्राई नहीं करता है, ग्लो देता है और लैदर अच्छे से करता है. एंड यस, काफ़ी देर तक इसकी खुशबू बरकरार रहती है. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ जो काफ़ी अच्छा रहा. क्या मैं इसे दोबारा लेना चाहूँगी? हाँ, जब भी ऑफर में मिलता है तो मैं इसे खरीद लूँगी क्योंकि यूजली सेंट ड्यूवेंस का प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं. सो अगर आपको ट्राई करना है तो कोशिश कीजिएगा कि इन्हें ऑफर वगैरह में लीजिएगा. सो अगर आपको ना भी पसंद आए तो आपको ये खरीदने का थोड़ा सा अफसोस नहीं होगा. एंड यस, इसके बॉडी लोशन का भी मैंने रिव्यू चेक किया था, इसके मुल्तानी लोशन का भी मैंने रिव्यू चेक शेयर किया था आप लोगों के साथ. आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी इसके लिंक्स शेयर कर दूं. एंड यस, इसका बॉडी लोशन ऐसा था कि काफ़ी लाइट वेट था बट खुशबू बहुत पसंद थी मुझे. बस एक कॉन इसमें यह था कि स्किन को थोड़ा ज़्यादा हैवी विंटर में असर नहीं करता, स्किन को डार्क कर देता है. ये उसका सबसे बड़ा कॉन था कि अगर आपकी स्किन अच्छी खासी ग्लो कर रही है तो वो स्किन को थोड़ा धीरे धीरे स्किन को डार्क करने लगता है. सो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके. आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल का पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.